सो आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको मेरा टाइटल देख के पता ही चल गया होगा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्षन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोड वॉन्ग। सो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम हमारे एस जे कैम की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड उसको जो है हमारे हेलमेट पे इंस्टॉल करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे एस जे कैम की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके मैंने जो है अमेजोन से मंगाया है, तो आइए आइए इसे जो है हम अभी अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग में बहुत बहुत गंदा हूँ, चलिए सॉरी। नाइफ, हाँ इससे शायद थोड़ा इजी पड़े मुझे अनबॉक्स करने में, थोड़ा आराम से। ये क्या है, ये कैसा ऐसा बाहर आया साइड से, ठीक नहीं लग रहा इसको। तो ये रहा हमारा इससे क्या। अब इसके जो है पहले हम फीचर्स के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो इमेज सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है, CMOS सेंसर है और लेंस जो है 170 डिग्री A+ HD वाइड एंगल जो है इसका लेंस है। रेजोल्यूशन इमेज का है 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल एंड वीडियो क्वालिटी जो है इसकी 1080 30 FPS पे है। ओके, इमेज फॉर्मेट तो JPG एंड मूवीज है। बैटरी इसकी है 900 mAh की रिमूवेबल बैटरी, स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 128 GB हम जो इसमें SD कार्ड लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो है USB वाईफाई है, विंडोज एंड मैक दोनों को जो है सपोर्ट करता है। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और भी कई टेप है क्या, कैसे खुलेगा यार ये। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले तो ये हमारा कैमरा है जो केसिंग के साथ में आया हुआ है, इसको हम साइड में रख देते हैं। एंड बॉक्स के अंदर जो है एक फाइबर केस भी आया हुआ है इसका एंड रबर वाला माउंटिंग भी है एंड बहुत सारी इसके अंदर जो है माउंटिंग्स दी गई है। ये एक एक्स्ट्रा केस एंड बहुत सारी जो है माउंटिंग्स दी गई है, बाप रे डिफरेंट टाइप्स की माउंटिंग है। एंड ये जो है ये हमारे काम का, ये हेलमेट पे लगेगा और बाकी कौन सी माउंट्स लगी है मुझे मालूम नहीं है, मुझे देखना होगा। यानी कि USB केबल दिया गया है जो कि मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छी क्वालिटी का, ये तो शायद ऐसे ही आता है या टूटा हुआ, देखना होगा। स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप क्या काम में आएगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। डबल साइडेड टेप है एंड एक क्लॉथ दिया गया है जो लेंस को साफ करने के काम आएगा। तो चलिए कैमरे को जो है अभी केसिंग से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कैमरे क्वालिटी कैसी है। तो ये ओपन करने के लिए हमें पहले जो है यहाँ से इसको जो है प्रेस करना होगा एंड देन उसके बाद ये ओपन होगा। कैसे ओपन होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैंने पहली बार परचेज किया है, देखते हैं कैसे खुलेगा ये। क्योंकि जो इसकी केसिंग है कुछ इस तरीके से खुलती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था ओपन कैसे होती है। ये इतना तो ओपन हो गया, इसके आगे अब ये कहाँ से खुलेगा। ओके, इस तरीके से बंद। और ये रहा हमारा कैमरा, इसके अंदर फिनिशिंग तो बड़ी अच्छी दी गई है इसकी जो ये ऊपर की जो कोटिंग है। बट ये कैमरे में एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगता है। तो अगर आपको इसको वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ करना है हेलमेट पे लगा के, तो आपको जो है आपकी वॉइस अलग से रिकॉर्ड करनी होगी किसी डिवाइस में, देन आप उसको एडिटिंग के टाइम पे जो है अटैच कर सकते हो।
ये हो गया हमारे कैमरे के बारे में। अब हमें जो है इसको हमारे हेलमेट पे इंस्टॉल करना है, तो चलिए इसको हेलमेट पे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सो नेक्स्ट जो हम जो है हेलमेट पे इंस्टॉल करने वाले थे हमारे कैमरा को, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि कोविड के कारण शॉप सारी बंद है और मुझे एमसील मिला नहीं, तो हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैंने इससे ट्राई किया बट ये जो है मेरे कैमरे में बैठ रहा नहीं है, 3mm का जो टेप लगा होता है, तो मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। तो अब जो इसका इंस्टॉलेशन और जो वीडियो क्वालिटी का रिव्यू होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है और कितना टाइम तक इसका बैटरी चलता है, एंड इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होप कि मुझे एक्शन मिल जाए आपको जल्दी। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय।